हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सविताज क्रिएटिविटी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली सेफ होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ। आज ये सैटरडे, जैसे आप लोगों को बोले थे लास्ट वीडियो में, शुभम का 27th यहाँ से दिल्ली जाने का था और 28th मॉर्निंग में दिल्ली से एयर इंडिया फ्लाइट में वो हांगकांग जाने का था। सब प्लान के मुताबिक हुआ, वो ठीक ठाक जाके हांगकांग में पहुँच गया है, कल जाके पहुँचा है। और अभी अब हांगकांग में एक्चुअली 7 डेज़ का क्वारंटाइन है, सो होटल रूम में है 7 डेज़ के बाद। आई थिंक सैटरडे, कमिंग सैटरडे रात, फ्राइडे रात को 12 o'clock के बाद वो फ्री है। सो वही है हालत। और आप लोग को लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि मुझे बहुत लो लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो वही सिचुएशन में वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, करने का मन भी नहीं हो रहा है। सो सेम चीज़ आज भी बोलना चाहती हूँ, मैं नॉर्मल सी को लौटना चाहती हूँ, बट टाइम लगेगा। मन जैसे बहुत भारी भारी सा लग रहा है, दिमाग जैसे काम नहीं करता है। सो शायद कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगा, बट यही सच है कि जो खुद महसूस कर पाएंगे, जो खुद को मेरे सिचुएशन में रख पाएंगे, वो समझ पाएंगे मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। सो वही है। फिर भी मैंने आज सोचा कि आज दिन में जो जो काम की उसका कुछ क्लिप्स आप लोगों के लिए शूट की मैंने, उसको मैं डाल दूँगी ये वीडियो में। ज़्यादा कुछ कंटेंट आप लोगों को ये वीडियो में नहीं मिलेगा, जैसे मैंने पहले से आप लोगों को बोल के रखी हूँ, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है मेरे लिए। बट मैं ट्राई कर रही हूँ आपके साथ कॉन्टैक्ट, एक भी वीडियो हो उसको शूट करके थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट आप लोगों के साथ रखने के लिए। और एक मिनट, जस्ट दरवाज़ा बंद करना भूल गई। सॉरी, बहुत आवाज़ आ रहा था। मेरा दिमाग भी ठीक से काम नहीं कर रहा है कि वो जो फ्रेंच डोर है उसको क्लोज़ करके आप लोगों के साथ बात करूं। मैं बोल रही थी वही है। सो मॉर्निंग में आज एक जो घर के लिए कुकिंग की, उसको आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत शूट की, पूरा डिटेल्स में नहीं दिखा पाऊँगी, बट एक थाली प्रिपेयर की थी जो संडे, सॉरी जो वीकेंड स्पेशल थाली है। सो आप लोगों के लिए उसको दे दूँगी मैं। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मॉर्निंग में गई थी, कल हम लोग का एक पूजा है जो सावित्री अमावस्या जिसको बोलते हैं, और कोई कोई स्टेट में इसको वट सावित्री पूजा भी बोलते हैं, जो हस्बैंड के लंबी उम्र के लिए किया जाता है। वो निर्जल उपवास होता है, जैसे कुछ भी नहीं खा के, पानी पी के, फ्रूट्स खा के रहा जाता है। बट मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरा बहुत सारे एसिडिटी वगैरह हो जाता है, प्रॉब्लम होती है, तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। जितना मेरे बस में होगा उतना करूँगी, पूजा कर लूँगी, फ्रूट्स वगैरह खरीद के लेके आई हूँ, पूजा घर में करूँगी। और इसमें नया साड़ी पहनते हैं, मैं साड़ी नहीं पहन पाऊँगी, मैं आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाई थी साड़ी खरीदी हूँ, उसको पूजा के लिए लगा दूँगी। और ड्रेस एक नया तो पहनने का रिवाज है, उसको भी पहन लूँगी। सो कल का बात कल होगा, आज मैंने एक थाली प्रिपेयर की, चलिए आप लोग जाके उसको देखें। पूरा डिटेल्स में नहीं है, बट क्या क्या बनाई हूँ उसका क्लिप दी हूँ। उसके बाद हम लोग गए थे आज मॉर्निंग में थोड़ा सा बाहर कुछ फर्नीचर शॉप में। सो उसका भी एक दो क्लिप्स होगा, उसको भी डाल दूँगी। उसके बाद भी हम आफ्टरनून में गए थे एक्चुअली वहाँ लाइफस्टाइल होम सेंटर में, बट उसका कुछ क्लिप मैंने नहीं लिया। सो चलिए आज के लिए इतना ही। ट्राई करती हूँ, कोशिश कर रही हूँ नॉर्मल होने के लिए, हो जाऊँगी। नेक्स्ट वीक में शायद मैं दो वीडियो शूट करने के लिए सोच ही रही हूँ। मैं आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिएगा, जितना कर पा रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसको देख लीजिए। और आज के लिए उतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक नया वीडियो के साथ, थोड़ा सा जोश के साथ, थोड़ा सा एनर्जी के साथ। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी चाय पीना ख़त्म हो गया और आदित्य उनके न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मॉर्निंग ऐसे ही स्टार्ट होता है हर दिन, बट एक चीज़ का आज कमी है, और शुभम घर में नहीं है। लास्ट 3 महीने से एक आदत पड़ गया था, सो वही टाइम में उठता था और मैं उसको बॉर्नविटा वगैरह दिया करती थी। सो बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये है घर का नज़ारा, और घर बहुत सुना सुना खाली खाली जैसे लग रहा है, आप लोगों को बोली। सो बहुत दिन से घर का
कुछ भी नहीं दिखाई थी तो सोचा थोड़ा सा दिखा दूँ आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो मॉर्निंग आज सनी है, मंगलोर आज सनी रहेगा जो क्लाइमेट से पता चल रहा है। और मेरा जो ग्रीन प्लांट्स है उसका भी एक झलक आप लोगों को दिखा दूँ। बहुत दिन से बालकोनी का कोई कुछ भी नहीं दिखाई, बट आज भी टाइम नहीं है वो सब दिखाने के लिए। मुझे लंच भी प्रिपेयर करना है, थोड़ा बाहर भी जाना है, कुछ तो करने के लिए मन नहीं कर रहा है, बट लगता है कि थोड़ा सा खुद को डाइवर्ट कर लूँ। ये है हमारे किट्टू महाराज, वो भी पापा के पास बैठ के, पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और वो बैठ रहा, तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है शुभम को। आके पहुँची हूँ किचन में। पहले कुकर में दाल बॉयल करते हैं। आज एक थाली प्रिपेयर करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूरा डिटेल्स में दिखा नहीं पाऊँगी, मैं जितना हो सकता है उसका कुछ क्लिप्स शूट करूँगी और आप लोगों को दिखा दूँगी। मैं जब दाल बॉयल करती हूँ, ये तुअर दाल है, तुअर डाल लिया कुकर में और उसमें नमक हल्दी और थोड़ा टमाटो कट करके डाल के मैंने इसको बॉयल कर देती हूँ। दाल बॉयल करने के टाइम में ही मैं टमाटो डालती हूँ, ये मेरा आदत है। और इसका जो खट्टापन, थोड़ा सा टैंगीनेस वो दाल के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है, आदित्य को भी अच्छा लगता है। और टमाटर डाल के मैंने उसको सीटी दे दूंगी और बॉयल होने के बाद उसमें सिंपल सा एक छोंक लगाऊंगी। मैं ट्राई करती हूँ बहुत तेल मसाला कम दे के प्रिपेयर करने के लिए ये थाली। आप लोग भी घर में ये थाली को ट्राई कर सकते हैं। अभी हो गया है सीटी होने के बाद मैंने कुकर खोल दिया और दाल बॉयल डाल अभी रेडी है। उसमें अभी एक सिंपल छोंक लगाएंगे। यहाँ पे कढ़ाई में मैं परवल को हाफ करके कट करके थोड़ा सा नमक हल्दी और थोड़ा सा मसाला देके उसको बॉयल कर रही हूँ। बॉयल करने से उसमें एक्चुअली बॉयल होने के बाद उसको मुझे डीप फ्राई करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं मसाला के साथ इसको सालो फ्राई कर दूँगी। अभी दाल में तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटा सा कढ़ाई लिया, उसमें मैंने डाली हूँ थोड़ा सा ऑयल और उसमें डाली हूँ सूखी मिर्च और जीरा। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मैं नहीं कर रही हूँ, कोई प्याज लहसुन देके मसाला देके दाल फ्राई नहीं बना रही हूँ। सिंपल सा दाल जो स्टीम्ड राइस के साथ अच्छा लगता है वही मैं करती हूँ। इसमें थोड़ा सा पंचफोरन भी मैंने दिया, पंचफोरन का फ्लेवर मुझे तुअर दाल में बहुत अच्छा लगता है। ये अभी हो जाएगा, उसके बाद मैंने इसको दाल में छोंक लगा दूँगी। छोंक लगाने के बाद दाल एकदम रेडी हो जाएगा। अभी देखिए ये हो गया, उसको मैं डायरेक्टली कुकर में मेरा जो बॉयल दाल रखा हुआ है उसके ऊपर डाल दूंगी और डालने के बाद उसको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके उसमें आपको अच्छा लगे तो 2-3 ड्रॉप देसी घी डाल दीजिएगा, उसमें पूरा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। बट जस्ट फॉर यू नो एरोमा, नथिंग एल्स। देखिए मेरा दाल तैयार हो गया है, एकदम रेडी हो गया है, जो स्टीम्ड राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। मुझे सिंपल सा दाल राइस खाने का बहुत मन कर रहा था तो मैंने एकदम सिंपल तरीके से इसको बनाई। ये दाल को, तुअर दाल को भी आप दाल फ्राई बना सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी ऐड कर रही हूँ फ्लेवर के लिए, आप चाहे तो ऐड करिएगा, नहीं अच्छा लगता है तो उसको स्किप कर दीजिए। अभी मैं आ गई हूँ एक चोखा बनाने के लिए, जिसको ओडिया में भरता बोलते हैं। इसमें बैंगन, आलू और टमाटर तीनों यूज होगा। मैंने बैंगन और टमाटर को अभी गैस के ऊपर एक्चुअली रोस्ट कर रही हूँ। बॉयल आलू इसमें यूज करूँगी, बॉयल करके पहले से रख लिया मैंने। अभी ये क्लिप थोड़ा बाद में मैंने यहाँ पर ऐड किया। पहले मैंने परवल को ऐसे हल्का सा उसका छिलका निकाल के इसको हाफ हाफ करके ही कढ़ाई में बॉयल कर रही हूँ। ये परवल ऐसा एक सब्जी है, हम दोनों को पसंद है, आदित्य को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। इसको भाजी भी बना सकते हैं, इसको स्टफ्ड परवल भी बना सकते हैं, इसके साथ परवल आलू का सब्जी भी बना सकते हैं। बहुत सारे वैरायटी परवल में हो सकता है। ये सब्जी को ओडिया में पुट्टोड़ा बोलते हैं, बट हिंदी में परवल बोलते हैं, जो पॉइंटेड गर्ड होता है। कभी आलू परवल का सब्जी बनाऊंगी तो आपको, आपके लिए ज़रूर शेयर करूंगी। देखिए कढ़ाई में सिंपल सा पानी लिया, पानी में परवल जो कट करके रखी थी उसको डाल दिया, डाल के इसमें नमक हल्दी डाल के इसको थोड़ा सा बॉयल कर देंगे। एक्चुअली परवल फ्राई बोलने से वेस्ट बंगाल में इसको पूरा डीप फ्राई कर देते हैं। मैंने कोई भी सब्जी को डीप फ्राई करके खाने के लिए अवॉइड कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, आदित्य भी कर रहे हैं। जितना कम तेल मसाला इसमें जाएगा उतना हेल्दी रहेगा, उसका सब्जी का जो न्यूट्रिशन है वो भी अंदर जाएगा। आप लोग ना बड़ा बड़ा साइज़ का कोई वेजिटेबल को फ्राई करना या कुछ सब्जी बनाने के लिए जब कर रहे हैं उसको बॉयल करके करिए। बॉयल करने के टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पानी जितना बॉयल होने के लिए ज़रूरत है उतना ही डालिए उसमें।
देखिए अभी मेरा परवल एकदम रेडी हो गया है फ्राई होने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा मसाला डाली थी। अभी इसके ऊपर मैं एक चीज़ डाल रही हूँ, ये है रॉ राइस जीरा एंड सूखी मिर्च का एक पाउडर। इसको उड़िया में भजा चूना बोलते हैं, और ये राइस का एक पाउडर है जिसको मैं मिला रही हूँ इसलिए कि इसको जब मैं फ्राई करूँगी ना, इसके ऊपर एक मैंने खाने के टाइम एक क्रंचीनेस आएगा, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी जो लोग को परवल अच्छा लगता है, ये वाला डिश करके ज़रूर ट्राई करना। देखिए मैंने पैन में कितना कम ऑयल ली हूँ, ये ऑयल में एक एक करके परवल को मैं यहाँ पे रखूँगी। परवल ऑलरेडी बॉइल्ड है, मुझे खाली इसके ऊपर क्रस्ट लाना है, तो मैंने लो फ्लेम में इसको दोनों साइड ब्राउन करके फ्राई कर लूँगी। ये चावल दाल के साथ बहुत अच्छा लगता है, समर वेजिटेबल है, इसका खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। परवल आजकल बहुत जगह में जो साल का बहुत टाइम में मिल जाता है, बट एक्चुअली ये बहुत कॉस्टली होता है। ये जो परवल उसका प्राइस अभी केजी सम ऑलमोस्ट 150-160 में चल रहा है बैंगलोर में। सो यहाँ पे मैं फ़िश का मसाला फ्राई बनाऊँगी, सूखा वाला फिश। जो फिश मैं यूज़ कर रही हूँ वो है तिलापिया फ़िश। तिलापिया फ़िश को नमक हल्दी लगा के पहले से हल्का फ्राई करके मैं रख ली हूँ, अभी उसका मसाला बना रही हूँ। इसमें आप लोगों को देखना, तेल लिया, सनफ्लावर ऑयल सॉरी मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में मैंने जीरा और हरी मिर्च का चोंग दिया। उसके बाद मैंने इसमें बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला। सो ये जो प्याज डालने के बाद मैंने टमाटर अदरक लहसुन का एक पेस्ट बनाई थी, उसको मैंने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद प्याज के साथ मिला लिया। अभी इसको मुझे कुक करना है, तेल कम दी हूँ इसलिए थोड़ा सा लो फ्लेम में रख के उसको कुक करना पड़ेगा। इसमें मैंने पाउडर मसाला डाल दी हूँ, नमक हल्दी थोड़ा सा काश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसको कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें ज़्यादा तीखापन नहीं रहेगा क्योंकि मसाला पीसने का टाइम मैंने हरी मिर्च दी थी। इसमें मैं धनिया पाउडर थोड़ा सा जीरा पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। ये सब पाउडर मसाला के साथ ये मसाला को हम लोगों को फ्राई करना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखा जाए कि मसाला जल जैसे नहीं जाए, जल जाएगा तो पूरा डिश ख़राब हो जाएगा। सो नहीं जलने के लिए आप 2-3 स्पून लीक वार्म वाटर इसमें डाल दीजिएगा, सो दैट ये मसाला मॉइस्ट रहेगा और नीचे लगेगा नहीं। सो मैं ऐसे करती हूँ, जब मैं मसाला को फ्राई करती हूँ इसको लो फ्लेम में करना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिकली जब आप कम ऑयल में कोई भी चीज़ कुकिंग करते हो। सो ये टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अभी मसाला होने के बाद इसमें मैंने फ़िश ऐड कर दिया, और फ़िश को लो फ्लेम में मसाला के साथ मिक्स होने के लिए मैंने 2-3 मिनट छोड़ दिया। अभी हमारा मसाला फिश मसाला फ्राई रेडी है। इसमें मैं थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए। ये खाने के लिए ऑसम लगता है, और जब चावल दाल के साथ सर्व करोगे ना, मज़ा ही आ जाएगा। अभी देखिए मेरा फिश पूरा एकदम रेडी है, मैं इसको ढक के रख देती हूँ। सो आज क्या क्या बनाए लंच के लिए, ये स्टीम्ड राइस है, ये कुछ फिश का अंडा है जिसको मैंने फ्राई करके रखी हूँ, ये परवल है आप लोगों जैसे दिखाई, ये है मेरा दाल, ये दाल भी सिंपल दाल बहुत टेस्टी हुआ था, और फिश अंडा फ्राई करने के लिए जो टाइम लगा उसको मैं आप लोगों को वो टाइम में क्लिप नहीं ले पाई। यहाँ पे भरता के लिए या चोखा के लिए सब रेडी है। ये है हमारा वीकेंड स्पेशल लंच थाली, जिसमें चावल दाल परवल आलू बैंगन और टमाटो का चोखा और फिश मसाला और चावल में निचोड़ने के लिए नींबू और थोड़ा सा हो सकता है तो थोड़ा एक स्पून आधा स्पून घी डाल दीजिए। ये है परवल का फ्लाई, जो देखिए कितना लाजिज लग रहा है देखने के लिए, कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरा सिंपल सा दाल जिसमें कोई भी मसाला नहीं है, ये है फिश मसाला फ्राई, तिलापिया फिश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये है सिंपल स्टीम्ड राइस, यहाँ पे मैं दी हूँ एक नींबू और थोड़ा सा जो फिश अंडा को फ्राई की थी। फिश अंडा फ्राई करने का भी एक तरीका है, बहुत टेस्टी होता है। उसमें प्याज हरी मिर्च धनिया पत्ता जिंजर गार्लिक फाइन चॉप करके भी आप डाल सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। सो हमारा ये स्पेशल वीकेंड थाली रेडी है। आप लोग ज़रूर ये थाली पे मैं जो जो रखी हूँ आप ज़रूर इसको घर में ट्राई कर सकते हैं। सिंपल ओडिया खाना है, और ये मेरा ट्रे है। आजकल दोनों हम लोग राइस का क्वांटिटी एकदम कम कर दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट कट डाउन करने का कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को मेरा ये लंच थाली अच्छा लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेशन में बताना, और आप लोग इसके साथ साथ
साथ इसको घर में बनाना। ये है कुछ सांबर अनियन जिसको सैलड बोलते हैं, मुझे राइस के साथ खाना बहुत पसंद है। सो ये है मेरा थाली। सो थाली रेडी है, चलिए लंच करते हैं। लंच के बाद थोड़ा सा बाहर जाना है। अभी मैं रेडी होकर जा रही हूँ, आदित्य कैमरा के पीछे है, मुझे जाके हम लोग निकल रहे हैं थोड़ा फर्नीचर शॉप में, HSR लेआउट वहाँ पे कुछ फर्नीचर देखना है घर के लिए। कुछ क्या है क्या आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा। अभी मैं गाड़ी में बैठती हूँ और जाती हूँ क्योंकि टायर्ड लग रहा है, सुबह से कुछ ना कुछ काम चल रहा है और ये इसको ख़त्म करके आने के बाद डिनर भी बनानी है। आज मैंने मेरा होम किचन बंद रखी हूँ। सो आके पहुंच गए हैं हम लोग HSR लेआउट में और जा रहे हैं अभी पेपर फ्राई के तरफ। वहाँ पे HSR लेआउट में पेपर फ्राई का शोरूम है, वहाँ से हम लोग सोचे कुछ देख लिया जाए। और अरे तो मुझे बोल रहे हैं यहीं पे है, चलिए फर्नीचर देखते हैं, हो सकता है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ पेपर फ्राई का क्लिप्स दिखाऊंगी। मुझे फर्नीचर देखना बहुत अच्छा लगता है, कारपेट्स वगैरह मैच करके फर्नीचर के साथ देखना भी बहुत अच्छा लगता है। अभी चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। देखिए आप लोगों को कुछ कुछ फर्नीचर का क्लिप्स दिखा रही हूँ। पेपर पर का फर्नीचर बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे देखिए बेड में जो डुए कवर, बेडशीट और पिलो कवर का कैसा सेट लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। बेड को कोजी बनाने के लिए, उसको ठीक तरीके से सेटअप करने के लिए मेरा वो एक पैसन है। मुझे बहुत अच्छा लगता है बेड को ठीक तरह से रखना। और यहाँ पे एक रॉकिंग चेयर था पूरा वुडन का जो बहुत सुंदर था, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे घर के इंटीरियर के साथ मैच नहीं होगा। ये वाला बेड तो देखिए इसमें भी जो डुए कवर और बेडशीट और पिलो को मैच करके रखे हैं। और ये और एक जो सोफ़ा सेट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था देखने के लिए। वहाँ पे कुछ कुछ सामान देख रहे हैं। और चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और कमेंट डाउन बिलो, एंड जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके पास आता रहेगा जब मैं शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।